सोच ही रहे ना स्मिता, सोच रहे ना। हाँ अगर ऐसे गोल गोल घुमाया जाए तो चल निकल जाएगी। हाँ तो बापू जी को घुमाए ना। हाँ गोल 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 घूमो। ऐसा नहीं है, रुको 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 रुको, बच्चों आप लोग उधर से खींचो, हम लोग इधर से खींचते हैं। मैं थक गया हूँ। अरे आपका तो ठीक है, हम लोग सब थक गए हैं। महेश थक गए तो क्या करे बाबूजी? अरे महेश सबसे पहले ये सोचो कि ये फ्रेम सर से कैसे निकलेगी। अरे नहीं निकलेगी। अरे मेरा माँ चिपकू गम है ही इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अरे तो घमंड करो लेकिन इसे निकालो। महेश कुछ कीजिए ना, मुक्त कीजिए ना बाबूजी को इसमें से। किसी के पास आईडिया है? कोई आईडिया है? अब मेरे पास है। एक काम करते हैं, दादाजी के सर पे हथौड़ा मारते हैं। मेरा मतलब दादाजी के कील जैसे बालों पे हथौड़ा मारते ताकि वो फोटो फ्रेम से बाहर निकल जाए। हाँ बेटा मुझे पता था, एक ना एक दिन तुम बापूजी के सर पे हथौड़ा जरूर मारोगे। महेश गजानन थैंक यू, जाना बेटा लेके आना। हाँ आ गया। क्या बाबूजी? हाँ कौन सा हथौड़ा प्रीफर करेंगे आप? अरे जो तू हाथ से उठा सकता है ना वो। मैं ये उठा सकता हूँ, जबरदस्त ताकत है मुझमें। महेश 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 आज मैं पहले बैटिंग करूंगा। क्यों भाई क्यों? अरे बचपन में हमेशा तू ही पहले बैटिंग करता था। अरे तो बापूजी किसके हैं? तुम्हारे हैं, लेकिन मैं भी तो इन्हें बापूजी मानता हूँ। नहीं नहीं मेरे बापूजी मैं खेलूंगा। ऐसे कौन खेलेगा भाई, कौन कौन खेलेगा? मैं भी खेल ही लूंगी। ये किसका नंबर है? ये मेरा पापा का। ये मेरा एक नंबर। या वेल डन बेटा, वेल डन। सॉरी सॉरी सॉरी। महेश क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी स्मिता, गलती से लग गया स्मिता। बाबू एक काम करते हैं, बाबू जी ये छोटे हथौड़े से मारता हूँ। हाँ बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी आप ठीक तो हैं? जब तक मेरे बाल नॉर्मल नहीं होते तब तक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओ तो ये वापस डालना पड़ेगा। चल चल नहीं मतलब ये अब है हमें पता गज्जू के बारे में, लेकिन करेंगी क्या हिसाब? इससे चली जाएगी महागजनी परीलोक से? भयंकर कभी आसान खेल नहीं खेलते। सिर्फ महागजनी का परिलोक से चले जाना मेरा मकसद नहीं है, पर जाते जाते महागजनी परिलोक को तबाह करके जाएगी, यही मेरा असली मकसद है। सोचती है आप हमेशा अच्छा ही, लेकिन लेकिन इस बार भयंकर अपना काम पूरा भी करके दिखाएगी। इस बार परिलोक का सबसे बड़ा दोस्त अब परिलोक का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तो ये भी बता दीजिए परी भयंकर कि करेंगे आप कैसे इसे? आज से बल्कि अभी से मेरी नजर महागजनी के प्यारे पुत्र गज्जू पर रहेगी, और मौका मिलते ही मैं गज्जू पर वार करूंगी और उन परियों और परीलोक के बीच में से उसे चुरा लूंगी। जब महागजनी का प्यारा पुत्र उसे नहीं मिलेगा तो वो गुस्से से अंधी हो जाएगी, अपनी सुध बुध खो बैठेगी,
उस पे अपने पुत्र को ढूंढने का भूत सवार हो जाएगा, पर उसका पुत्र तो उसे मिलेगा नहीं। और उसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगी कि गज्जू के गायब होने का पूरा इल्जाम आएगा रानी परी पर, और महागज गुस्से में ना तो परीलोक को छोड़ेगी और ना ही रानी परी को। सर पे हाथ भी नहीं रख सकता हूँ, क्या करूँ? बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा, बाल काट के या बाल उबाल के? सारे उपाय कर लिए लेकिन सब फेल। हाँ तो सचिन के पिताजी शिक्षक है ना, तो फेल तो पास कर देंगे। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या है? मतलब आप नहीं चाहते कि दादाजी के बाल ठीक हो जाए? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाँ। नहीं नहीं इसमें गलती मेरी भी है, मुझे भी शैम्पू की बॉटल जांच कर ही बापूजी को देनी चाहिए थी। अरे हो वही नहीं। हाँ? हाँ वही नहीं, मुझे पता था एक ना एक दिन आप बिना जांचे बापूजी को शैम्पू जरूर दोगी। अरे अगर आपको पता था तो आपने भाभी को बताया क्यों नहीं? भाई मैं ये कह रहा हूँ बापूजी, जो हुआ सो हुआ, जाने दो ना। जाने क्या दो, जाने दो क्या, जाने दो क्या, कैसे जाने दे? मतलब बापूजी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि आपके बाल ठीक कैसे हो। हाँ। उबाल कर। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं उल्टा नहीं लटकूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? ऐसे। बच्चे लोग क्या करने वाले कुछ पता चल रहा है? नहीं आपने सुना? नहीं तो मुझे कैसे सुनाई देगा बापूजी? हाँ वो भी है। आराम से इसे। ये है आपके बालों को ठीक करने की सामग्री। दादाजी अब आप इस टॉवल से अपना सर ढक लो और इस उबलते हुए पानी की भाप लो, आपके बाल यूं ठीक हो जाएंगे। बेटा इससे पक्का मेरे बाल ठीक हो जाएंगे ना? हाँ दादाजी पक्का बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये लीजिए। अच्छा ठीक है, ला बेटा ला। संभल के बाबूजी, कोशिश करके देखते हैं। संभल के लेकिन आराम से बाबूजी। चलो आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। बापूजी ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? नहीं बापूजी, बालों पे गर्मी पहुंच रही है ना? हाँ हो रहे, हो रहे बेटा। और मुंह पे? नहीं मुंह को कुछ नहीं हो रहा है। तो अंदर जाइए, थोड़ा सा अंदर जाइए, झुक के अंदर। हाँ जाता हूँ। क्या हुआ? जल गया मुंह। तो चलने चल अंदर क्यों जा रहे आप? किससे बोला आपको? अरे तू है ना पागल। बापूजी मैंने थोड़ा सा अंदर डालने के लिए कहा था। मुझे पता था बाबूजी एक ना एक दिन ये बच्चे आपके बाल जरूर ठीक कर देंगे, क्योंकि ये बच्चे सबब है। सबब? समझदार बच्चे, अकलमंद बच्चे। हाँ, और मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वही नहीं, तारीफ बच्चों की हो रही। हाँ फिर भी मैंने अपनी तारीफ पे भी कभी घमंड नहीं किया। है?
परी लोग की सीमा पे है क्यों लाई आप मुझे परी भयंकर? तुम्हें महागजनी के पैरों तले कुचलवाने के लिए। अच्छा अच्छा, क्या क्यों हुई क्या गलती मुझसे परी भयंकर? क्षमा क्षमा परी भयंकर क्षमा, दीजिए मुझे माफ, वो मांगता मैं आपसे माफी परी भयंकर। हुई क्या गलती मुझसे, जो रो रहा हूँ मैं, जो भी हो परी भयंकर। उठो, मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ये मजाक पड़ेगा आपको बहुत महंगा। क्या अब पड़ेगा महंगा? परियों का आपसे दुश्मनी लेना। मैं यहाँ महागजनी को देखने आई थी कि महागजनी रात को परिलोक की चौकसी करती है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पुत्र गज्जू से दूर होगी तो वही सही समय होगा उसके पुत्र गज्जू को परिलोक से चुराने का। महागजनी वहां परिलोक की चौकसी कर रही होगी और यहाँ हम उसके प्यारे बेटे गज्जू को परिलोक से चुरा लेंगे। और जब सुबह महागजनी वापस लौटेगी और उसे उसका प्यारा बेटा गज्जू नहीं मिलेगा, तब वो सोचेगी कि ये सब परियों की गलती की वजह से हुआ है। और फिर महागजनी के गुस्से से परियों को बचाना असंभव होगा। पर मुझे पता नहीं क्यों परी भयंकर अभी भी नहीं लगता कि महागजनी परियों के साथ करेगी ऐसा। करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि कोई भी माँ उसके बच्चे को कुछ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। और फिर मैं ऐसी चाल चलूंगी कि महागजनी को मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ रानी परी ने किया है जानबूझकर उसके बेटे को उससे दूर करने के लिए। चलो भाई चलो चलो चलो, अरे चलो, देर हो रही है, लाओ नाश्ता लाओ। हाँ बहुत भूख लगी है। थैंक यू बापूजी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं पप्पू जी, पांव छू रहा था। अरे हाँ हाँ, आज स्कूल में तेरा पहला दिन है ना, हमारे तरफ से शुभकामनाएं। हाँ। पहला दिन क्यों? क्या आप बचपन में स्कूल नहीं गए थे? महेश, रॉकी, सॉरी रॉकी, गजानन का बतौर शिक्षक मानव की स्कूल में पहला दिन है। अच्छा, तो फिर अगर आपको कोई टेंशन हो तो आप मानव से पूछ लेना, क्योंकि मानव का पहला दिन नहीं है। हाँ? स्वादिष्ट और स्वस्थ नाश्ता। आई नाश्ते में क्या है? करेले का जूस और दूधी की सैंडविच। करेले का जूस और दूधी की सैंडविच, ताकि ना ये खा के सब हेल्दी रहे। अब तक तो सब हेल्दी है, पर ये करेले का जूस और ये दूधी की सैंडविच खाने के बाद हम सब हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो नहीं पता। आई, जनरली सैंडविच में आलू होता है। बेटा, दूधी खाओगे तो दूधी की तरह पतले और लंबे बनोगे, और आलू खाओगे तो आलू की तरह मोटे बनोगे। हाँ बिल्कुल, मोटे माई की तरह। माजी फटकली। बच्चों, तुम्हें हमेशा साखा सेखा खाना चाहिए। सूखा सूखा? नहीं नहीं बापूजी, साखा सेखा। नहीं, काम कर बेटा।
मतलब समझा, सादा खाना सेहतमंद खाना। सादा सेहतमंद खाना। अरे मैं तो हमेशा सेहतमंद खाना ही बनाती हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। चलो चलो सब अब मजे से करेले का जूस और दूधी का सैंडविच खाओ। अरे ये क्या हुआ? मेरा पेट भर गया। हाँ सबका पेट भर गया है। चलो भाई चलो 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 चलो, देर हो रही है, चलो चलो। सब अपने अपने टिफिन ले जाओ। ये बेटा तुम्हारा, सचिन ये तुम्हारे लिए, और ये बल्लू तुम्हारा, और मानव ये तुम्हारा, और गजानन भाई ये आपका, और ये आपका टिफिन। वाह नाश्ते में क्या है? हाँ नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट ढोकला और पराठा। पराठा देख लो भैया, देख लो ढोकला पराठा। चलो चलो चलो। लगता है बच्चों को नाश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कल ना मैं सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी। वाह पोपड़े और बैंगन का। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कल के लिए भी पेट अभी से भर गया। मेरा भी। आराम से बैठ भाई, संभल के। अरे इसमें दूध भरा हुआ, बहुत वजन। आराम से। अरे डूबा डूबा बोलिए। अरे वाह डूबा डूबा, परीलोक में परियों की दावत है और हमें तो पता भी नहीं। नहीं नहीं नटखट परे, है नहीं परिलोक में परियों की कोई भी दावत। अच्छा तो फिर ये दूध, ये फल, ये सब किसकी दावत के लिए है? गज्जू के लिए। गज्जू? हे रानी परी का आदेश कि मिलना चाहिए गज्जू को उसका पूरा खाना। आखिर गज्जू हमारा सबसे खास मेहमान जो है। वाह स्वादिष्ट खाना। कैसे हो तुम गज्जू? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस बर्तन में क्या है दोस्तों? दूध। वाह मजेदार दूध। माँ कहती है दूध पीकर मैं भी उनकी तरह शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ गज्जू जरूर पीना, ये सब तुम्हारे लिए तो है। लेकिन डूबा डूबा तुम्हें दूध के लिए छोटा बर्तन लाना चाहिए था। हाँ। इतने बड़े बर्तन में छोटा सा गज्जू दूध कैसे पिएगा? अभी बताता हूँ कैसे। गज्जू ये तो दिखाई नहीं दे रहा। गज्जू कहाँ हो?